अब मस्त जगह है ये, कहाँ आ गए हम? उफ ये ताजी हवा। ओके फाइनली डॉन का बोर्ड दिख रहा है, तो मतलब हम ऑलरेडी डॉन हिल स्टेशन पहुंच चुके हैं। टाइम पास करते करते 10 बज गया सुबह का। ओह सो इट्स टाइम टू लीव नाउ। यहाँ से हम जाएंगे डॉन हिल स्टेशन, फिर वहाँ से एक घर। अभी दिल्ली दूर है दिल्ली मतलब हमारा घर। हेलो टू ऑल यू लवली पीपल आउट देयर, आशीष हियर, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, आई एम डूइंग ग्रेट एज वेल। और अब हम निकल रहे हैं डॉन हिल स्टेशन की तरफ। ये हमारे वीडियो का थर्ड पार्ट है। पिछले दो पार्ट में हमने फर्स्ट पार्ट में जो है हमारे बॉम्बे से सापुतारा आने का जर्नी जो है वो कवर किया था, और सेकंड पार्ट में जो है सापुतारा को हमने थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया था वो दिखाया है। और अब जो है डॉन हिल स्टेशन जा रहे हैं, जो यहाँ से 50 किलोमीटर्स दूर है। लेकिन गूगल मैप्स में जब हमने चेक किया, डिस्टेंस तो 50 किलोमीटर है लेकिन टाइम जो है 2.5 आवर्स दिखा रहा है, विच मीन्स कि रोड जो है अच्छे कंडीशन में नहीं होगा। तो अब तो ये वहाँ जाकर ही पता चलेगा कैसा है करके। सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी टुडे। ये सापुतारा का सर्कल जो है ये बहुत ही प्यारा लगता है, एकदम मस्त है। और इस पर जो बाइक टर्न लेने में जो मज़ा आता है ना वो मैं आपको बता नहीं सकता। अरे सो लेफ्ट साइड में अगर आप देखते हैं तो यही जो है खाओ गली बोल सकते हैं यहाँ सापुतारा का। यहाँ पे आपको सब स्नैक्स मिल जाएगा, और यही सब खाओ गली चाहिए, सब आपको स्नैक्स और होटल्स सब मिल जाएगा। और राइट साइड में तो सापुतारा लेक है, जो मैंने ऑलरेडी आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। तो अभी जो है चलते हैं डॉन हिल स्टेशन की तरफ, बट उसके पहले भरेंगे पेट्रोल, बिकॉज बॉर्डर के इस तरफ जो है गुजरात में पेट्रोल 10 रुपये सस्ता मिल रहा है। तो पहले पेट्रोल भरेंगे, वैसे भी टाकी खाली हो चुकी है, एंड देन कंटिन्यू करेंगे हमारे जर्नी। बाइक का भी पेट फुल हो चुका है, हमने तो ऑलरेडी नाश्ता कर लिया है, और पेट्रोल जो है 10 नहीं 9 रुपये सस्ता था यहाँ पर। और मेरे बाइक में तो ऑलरेडी आधा टाकी पेट्रोल था ऑलरेडी, जो मैंने देखा नहीं, तो हाफ टाकी जो है फुल करा लिया। डेफिनेटली उसमें मेरे 50-60 रुपये तो डेफिनेटली बच गए। यहाँ बोर्ड पर संस्कृत का श्लोक लिखा हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छी बात। अरे वो देखो क्या मस्त लग रहा है एकदम, वाह। जो पहाड़ है कम्प्लीटली फॉग से कवर्ड है, एकदम ब्यूटीफुल लग रहा है। रोड पे ध्यान ही नहीं लग रहा है, एक्चुअली में रोड पे ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर। चलिए आप सीनरी एंजॉय कीजिए, मैं रोड पर ध्यान देता हूँ, और ये जो सीनरी है मैं घर पे अपने वीडियो पे देख लूँगा। माउंटेन्स की यही खास बात होती है, आते टाइम जो है हमें एक अलग सा सीनरी दिख रहा था, और अब जाते टाइम जो है एक डेफिनेटली अलग ही व्यू दिख रहा है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। मज़ा आ रहा है सच में, एवरी मिनट इज़ वर्थ ऑफ दिस राइड आई मस्ट से।
ये जो सापुतारा का रोड का स्ट्रेच है वो बहुत अच्छा कंडीशन में है। ऑलमोस्ट जो बॉर्डर नासिक बॉर्डर से सापुतारा तक का जो रोड है वो बहुत ही अच्छे कंडीशन में, लेकिन उसके बाद का जो रोड है वो थोड़ा बहुत बुरी कंडीशन में है। तो क्या कर सकते हैं, वो लेफ्ट में देखिए पहाड़, मेरे पहाड़ ही पहाड़ है, बस थोड़ी देर और फिर बाद में हमें ये सब पहाड़ देखने नहीं मिलेगा, फिर से हमें कॉन्क्रीट जंगल में चले जाएंगे हमारे। हथगढ़ से लेफ्ट लेना होता है आपको, बस गूगल मैप्स फॉलो करते हुए जाना है डॉन हिल हिल स्टेशन पहुंचने के लिए। हम भी वही कर रहे हैं, और तो हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं वहां पर, देखते हैं गूगल मैप्स हमें सही तरीके से वहां पहुंचाते हैं या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा आगे। मेरा जो अजम्पशन था और गूगल का जो प्रिडिक्शन था वो सही था, बिकॉज दो घंटे इसलिए लगा रहा है बिकॉज ये जो रास्ता है वो अच्छे कंडीशन में नहीं है, तो डेफिनेटली शायद हमें 2.5 घंटे भी लग सकता है, बिकॉज ये बहुत ही मतलब कहाँ पर कहाँ खड्डा आ जाए कुछ पता नहीं चल रहा है यहाँ पर, तो हम सेफली ट्राई कर रहे हैं जाने का। एकदम विलेज वाली फीलिंग आ रही है यहाँ से जाते हुए, आजू बाजू में वही छोटे छोटे हट्स है, बैल दिख रहे हैं, खेत दिख रही है, तो ऐसा लग रहा है विलेज के थ्रू ही जा रहे हैं, एक्चुअली विलेज के थ्रू ही जा रहे हैं, बट वो एक्चुअली फील कर रहे हैं जो विलेज होता है उसका लाइफ को फील कर रहे हैं अभी हम। कभी शांत रहकर अपने जर्नी को एंजॉय करना भी एक अलग ही मज़ा है, बिकॉज ये कोई मेडिटेशन से कम नहीं है जो अभी जो सराउंडिंग जैसा है, इतना फ्रेश इतना अच्छा सराउंडिंग, नो वर्ड्स, सीरियसली नो वर्ड्स। अब मस्त जगह है ये, कहाँ आ गए हम, अभी पता चलेगा थोड़ी देर में क्या जगह है करके, बट उसके पहले मैं आपको दिखाऊंगा इस जगह की कुछ अच्छे शॉट्स, बिकॉज बहुत ही मस्त लग रहा है ये जगह। बहुत ही अमेजिंग लोकेशन है, और थोड़ी देर रुक जाते लेकिन हमें जो है आगे जाना है, और रास्ते का कुछ ठीक नहीं लग रहा हमें, तो इसलिए हम सोचे कि जर्नी को हमारे कंटिन्यू करते हैं, डाउनहिल हिल स्टेशन पहुंच जाते हैं,
उसके बाद देखते हैं आगे का क्या है। और वैसे ये जो है इसे अर्जुन सागर लेक कहते हैं और बाजू में ही अर्जुन सागर डैम भी है। और बस ये हमने एक लोकल से पूछा यहाँ के, उन्होंने बताया हमें कि ये अर्जुन सागर लेक है। और आगे उन्होंने कहा कि लिखा हुआ भी है बड़े डैम के ऊपर इन बोल्ड लेटर्स अर्जुन सागर करके, तो देखते हैं वो दिखता है या नहीं हमें। सो लेट्स सी। थोड़ा सा ड्रिजलिंग भी शुरू हो चुका है। एनीवेज क्लाइमेट जो है बहुत ही कूल है अभी फ़िलहाल, तो ड्रिजलिंग होती है तो और कूल हो जाएगा। अगर बीच में धूप निकलता है तो भी इतना गर्मी कुछ पता नहीं चलता, बिकॉज यहाँ का कुछ अलग ही क्लाइमेट है, बहुत मस्त है। उफ़, ये ताज़ी हवा, दिल ही नहीं पूरा दिमाग ही फ्रेश हो गया है, क्योंकि इतना आजू बाजू ग्रीनरी है आप ही देख सकते हो। और जो पहाड़ है, जो माउंटेंस है, वो भी फुल ऑन ग्रीनरी से मतलब कवर्ड है। और फ्रेश एयर जो है ना ही अपने बॉडी को रिफ़्रेश कर रहे हैं बट हमारे माइंड्स को भी रिफ़्रेश कर रहे हैं, क्योंकि रास्ता जो है अप्रोच रोड बहुत ही ख़राब है, बट नो डाउट जो जर्नी है वो बहुत ही सैटिस्फाइंग है, बिकॉज आफ्टर ऑल वही तो चाहिए लाइफ में। और सबसे बड़ी बात, ये जगह जो है बहुत ही अनटच्ड लोकेशन में से एक है, मैं सब बोल सकता हूँ, बिकॉज अभी भी यहाँ पर लोग पुराने स्टाइल में खेती करते हैं। एंड बच्चे लोग हाई कर रहे हैं, अभी भी बहुत ही पुराने स्टाइल में खेती होती है। और इस वजह से ये जो प्लेस मॉडर्नाइजेशन से कम्प्लीटली अलग है, और ऐसा होना भी चाहिए बिकॉज ज़्यादा भी मॉडर्नाइजेशन अच्छा नहीं है। तो दिस प्लेस इज़ एज गुड एज हेवन। गूगल मैप्स के हिसाब से अब हम थोड़ी देर में डाउन हिल पहुँचने ही वाले हैं। आई गेस हार्डली 2 या 3 किलोमीटर का जो रास्ता है वो बचा है। सो लेट्स सी और कितना दूर है। रास्ते ने तो हमारी बैंड ही बजा दिया अभी फ़िलहाल तो। ओके, फाइनली डॉन का बोर्ड दिख रहा है, तो मतलब हम ऑलरेडी डॉन हिल स्टेशन पहुँच चुके हैं। ओ, देखते हैं आगे कैसा है। आई गेस ये डॉन एरिया का नाम ही डॉन है, तो मे बी आगे जाके कहीं हिल स्टेशन होगा, बिकॉज बस गूगल मैप्स कुछ आधा किलोमीटर का रास्ता बता रहा था तभी, जस्ट थोड़ी देर पहले जब हमने चेक किया तब। तो आई गेस वी विल रीच वेरी सून, तो जैसे ही पहुँचते आपको बता दूंगा मैं। गाड़ियाँ तो बहुत दिख रही है आगे, मुझे लगता है यही स्पॉट है डॉन हिल स्टेशन का।
डाउनहिल से निकलने का टाइम हो गया है। वैसे तो सच बोलूँ तो इतना कुछ खास जगह नहीं है, बिकॉज़ ये अभी भी डेवलपिंग फेज़ में, मे बी आफ्टर अ ईयर और टू ये कम्प्लीटली एक प्रॉपर हिल स्टेशन बन जाएगा। अभी फ़िलहाल तो ये एक व्यूइंग स्पॉट है, मैं इतना बोल सकता हूँ। तो अगर आप कहीं दूर से आ रहे हैं, लाइक महाराष्ट्र से यहाँ पर डाउनहिल हिल स्टेशन देखने आ रहे हैं, तो आई वुड से इट वोंट बी वर्थ इट। अगर आप गुजरात में ही रहते हो, डाउनहिल आ रहे हो, देन इट्स फाइन, बिकॉज वो सबसे नज़दीक में है और आप आके व्यू एन्जॉय करके वापस घर पे जा सकते हो। बट यहाँ पे रहने लायक फ़िलहाल तभी कुछ है नहीं, इट्स स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन, तो मे बी इन फ्यूचर ये सब चेंज हो जाएगा। एनी विच वेज, आज के जो इस वीडियो में है इतना ही। अब हम निकलेंगे घर की ओर, जो आप अगले पार्ट में देखोगे उस जर्नी को। अब फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी हम फ्यूचर में कोई भी नया वीडियो अपलोड करें आपको आपके स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आपको कोई फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। सो फिर जल्दी मिलते हैं इस वीडियो के फाइनल पार्ट में, जहाँ पर हम हमारे घर के जर्नी को आपके साथ शेयर करेंगे। तो तब तक आप सब सेफ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मे द बिलियन डॉलर स्माइल ऑलवेज बी विद यू ऑल। थैंक यू एंड सी यू सून।